एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, मेरा लाइफ का अपडेट करने वाली हूँ। तो आप लोग को शुरू से लेके एंड तक देखिए, फिर लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, ये ब्लॉग को शुरू करने से पहले कल परसों 2 दिन पीछे का क्या क्या मैंने किया वो मैं डाल देती हूँ। एक छोटा सा ड्रामा का ऑडिशन था, 1 मिनट का, वो मैंने किया। आप देखिए, हंसिए मत, क्योंकि प्रैक्टिस करना और स्टेज में जाके 100 100 आदमी, 200 से भी ज़्यादा उनके बीच खड़े रह के परफॉर्म करना अद्भुत एक्सपीरियंस, सच में शानदार जर्नी। वो देख के आइए, फिर मैं आपको बोलूँगी जी मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है और क्योंकि मेरा लाइफ है और आप सब मेरे साथ फैमिली के जैसे हो, आपको जानना जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग, टाइम भी नहीं मिल रहा। मुझे लिखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। लिख तो रही हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। घर का काम करो, ऐसे नहीं कि घर का काम कोई नहीं करता है, मैं ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ तो आपको मालूम है जो कोई डेली आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है, हम ही तीनों तीनों को ही हेल्प करते हैं। वो एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ, गार्डन को मेंटेन करना, खुद का काम करना, खुद का जो फैक्ट्री का काम इतना स्ट्रेसफुल है। ये सब करने के बावजूद मैं जो लिख रही हूँ, मुझे लिखने के लिए इतना इच्छा हो रहा है। और आप मानोगे नहीं, कभी कभी मैं ड्राइविंग करती हूँ, कहीं जाती हूँ, माथे में सडनली आते हैं, सडनली। और मुझे लगता है अभी मैं नहीं लिखूंगी उस सब को, फिर भूल जाऊंगी। तो इसीलिए जरूरी था, जरूरी था। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा बोल दूँ, तो आप भी जान जाओगे। तो मेरे लिए थोड़ा ये जो रास्ता आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे आके देखिए ब्लॉग को, फिर पता चलेगा जी मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। और आप भी मुझे कमेंट देके बताइए जी सचमुच ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं, तो मुझे भी अच्छा हे लगेगा। ना, समस्त गुरुजन कह रहे हैं, आपका नाना जी, आपका ससुर जी, आपका माता जी, सबने एक ही बात कहे हैं, आप सबके बात सुनते क्यों नहीं हो? हे प्राणनाथ, चराचर देव दानव यम कुबेर, यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने बाहुबल से जीत सकते हो, परंतु एक स्त्री का मन को कभी नहीं। स्त्री प्रेम में दया सागर और स्नेह का अगाध समुन्दर है। स्त्री प्रेम में स्त्री का हृदय पंखुड़ी की तरह कोमल होते हैं। लेकिन आपने धर्म पालन करते हुए और हिमालय से भी अधिक अविचलित है। हे लंकेश्वर, ये दुराग्रह करने का समय नहीं है। अंगद आपको एक रात का समय दे गया है, ये निर्णायक के रात है प्रभु, ये निर्णायक के रात। बिना संधि के अगर ये रात बीत गई तो इतिहास के पन्ने पर लंका सिर्फ लीक रह जाएगी। समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं प्रभु। आपके ससुर जी, आपके नाना जी, आपका माता जी, सब ने एक ही बातें कही हैं, आप सुनते क्यों नहीं है प्राणनाथ, क्यों नहीं है आप? चराचर, आप चराचर देव दानव देवता कुबेर इंद्र दस दिग्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने बाहुबल भुजबल से जीत सकते हो प्रभु। लेकिन एक सती सतवंत नारी का मन को कभी नहीं जीत सकते, हे लंकेश्वर। आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मेरा लाइफ तो आप देख रहे हो, हर दिन हर डेली ब्लॉग में मैं डाल रही हूँ। हाँ, रेगुलरली ब्लॉग लाना मुश्किल हो रहा है, फिर भी कर रही हूँ। और लास्ट 2 दिन से इतना बहुत सारा चीज हुआ, और लास्ट 6 7 दिन से
मैं कुछ ड्रामा के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, ऐसे ही सडनली किसी से मिली और मेरा नाम को मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि दे दीजिए, थोड़ा जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। और एक पेज पूरा एक मिनट में आपको स्टेज में जाके परफॉर्म करना है 100 आदमी के बीच। मुझे ये मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग बैठेंगे और मैं जाके परफॉर्म करूँगी। मुझे लगा कि ठीक है, कोई क्लोज डोर में जजेस बैठेंगे, मैं जाके खड़ी रहूँगी और एक मिनट डायलॉग बोल के चली आऊँगी। जितना करीब आ रही थी ऑडिशन, उतना ही अंदर से डर। देवाशीष को लेके गई, खुद ड्राइविंग करके गई और खुद ड्राइविंग करके आई। इस बार मैंने सचमुच एंजॉय किया और देवाशीष बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने पूरा कंसंट्रेट किया रास्ते के ऊपर और जो नेविगेशन सब कुछ, तो मुझे अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग अभी मुझे थोड़ा सहज होने लगी है। लेकिन हाँ, ऑडिशन के बारे में थोड़ा बोल दूँ। शानदार ऑडिशन रहा। पहले तो मैं जाके जब पहुंची, मैं बिल्कुल ओडिशा में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब आप कुछ कैरेक्टर करोगे तो कैरेक्टर की तरह ही आपको थोड़ा तो खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं जब जाके पहुंची, मैंने देखा सब साड़ी पहने हैं, कोई जीन्स में, कोई टी शर्ट में, हाफ पैंट में, कैजुअल में, कोई चूड़दार पंजाबी में। जैसे ही उनका नाम बुलाया जाने से पहले, जब आपको रेडी हो जाइए उसके बाद आप हो, तुरंत ही बैकपैक से कुछ निकालते हैं, चुन्नी डाल देते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन मैं पूरा बिल्कुल इंडियन अटायर में, पूरा चुन्नी यहाँ से लेके रेडी होके गई थी। और एक अद्भुत और क्या मैं बोलूँ, आप देखिए मैं कितने सारे, इतने इतना प्रैक्टिस कर रही थी। देवाशीष को छोड़ दिया होटल में, है ना, वो जो बाइकिंग स्पॉट में जहाँ देवाशीष का शुरू हुआ, होटल पहुँचे उधर प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस, खाना बनाने के टाइम भी प्रैक्टिस। और देवाशीष मना कर रहे थे, मुझे क्या मौत दो, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे तो सीखना है, मुझे जानना है। मैं देवाशीष को बोली, देवाशीष प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो और डरो मत, मैं हारूँ या जीतूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगी, जाके देखूँगी, वो मेरा लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहेगी। तो आप देखिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, देख के आइए, फिर मैं आपको बोलने वाली हूँ क्या चल रही है मेरा प्रैक्टिस। देवाशीष को छोड़ के मैं आ गई उनका बाइकिंग के, और चले गए 5 घंटे के लिए। तो मुझे यही एक अपॉर्चुनिटी है, 24 आवर्स के अंदर मुझे जाके स्टेज परफॉर्मेंस देना है। ये तो इतना शॉर्ट नोटिस था, लेकिन हाँ, ये मेरा पहली चांस है, होगा या ना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने की मिल जाएगी उधर, कुछ लोग को मैं जान जाऊंगी, इसीलिए ये मेरा ट्राई है। तो मैं एक भी चांस लेने के लिए रेडी था, तो इसीलिए जो भी मुझे स्क्रिप्ट मिला, मैं खुद को रेडी कर रही हूँ जे कल के परफॉर्मेंस के लिए। तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रही है, इतने सारे डायलॉग, और जीवन में कभी ऐसे ऑडिशन नहीं दिया, सच मानिए ये पब्लिकली मेरा पहला परफॉर्मेंस होगा ऑडिशन, जहाँ सबके सामने मुझे बोलना है। पहले तो मुझे मालूम नहीं था, बाद में पता चला जे इतने सारे पूरा एकदम ओपन प्लेटफॉर्म में आपको बोलना है, अंदर से भूकंप, डायलॉग एक याद रहता है तो जो 2-4 में भूल जा रही हूँ। और बोला गया है पूरा नॉर्मली आइए और कुछ आराम से बोलिए, लेकिन रामायण के ऊपर ही बोलना है। हे नाथ,
समस्त गुरुजन आपको बोल रहे हैं, आपका नाना जी, आपका ससुर जी, आपका माता, सभी ने एक ही बात बोल रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं हो? स्त्री का हृदय बड़े से बड़े भूल। थर्ड लाइन बोल दी, बंद करो देवासी। मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, अगर मैंने ऑडिशन में कुछ हासिल की तो ये ब्लॉग आएगी, अगर नहीं तो फिर भी पुस्तक या अमेरिका आके स्टेज में परफॉर्म करना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये एक पेपर है, एक मिनट का है, एक मिनट में शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, से। मेरा खत्म हो चुका है, इतने सारे लोगों के बीच ऑडिशन देना ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही बड़े। देखते हैं रिजल्ट कब आउट होगा। Have all the 12 o'clock people who want to perform performed? Okay, okay. Thank you, everyone. Thank you very much. I tried. Okay, I'm going to announce a short list of people whom I would like to see. For those whose names are not announced, please be aware. I'm of course watching you. I'm watching your performance on stage, and it matters. आपकी हिंदी मैटर करती है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कौन सा रोल कर पाएंगे। स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, राहुल रिजल्ट निकलेगा कहते सोचू राहुल ड्रामा रो मेल करके मोबाइल 25 मिनट। इतना कष्ट करके जाना, एक मिनट का परफॉर्मेंस, जैसा ही एंट्री किया देखा कि पूरा बिल्कुल सब बैठे हैं, उन्हीं के सामने परफॉर्म करना है, पूरा ओपन प्लेटफॉर्म। ये एक शानदार एक्सपीरियंस रहा। मिलेगी या ना मिलेगा कोई बात नहीं, और मेल में सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे बोले, लेकिन आप मानोगे नहीं, डर, इतना डर लग रही थी जी क्या होगा। कोई कोई ऐसे ही साधा ड्रेस में आए थे, कोई कोई थोड़ा बहुत मेरे जैसा कैरेक्टर में ढल के आए थे, और कोई कोई ऐसे ही भागते हुए स्टेज में आ गए। सचमुच ये एक, लेकिन हाँ, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, काम करते हैं, फिर ये जो लीजर टाइम होते हैं उनके में फ्री टाइम में आते हैं, और ज़्यादातर वहाँ बोला गया जो एक साथ गाना गाता होगा, डांस भी जानता होगा, और डायलॉग बिना डरे परफॉर्म करेगा, उनको ज़्यादातर क्या ज़्यादा उनको ज़्यादा चांसे मिलने के लिए कोई बात नहीं। लेकिन मैंने तो कुछ अमेरिका का स्टेज में आके थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, देखते हैं अगर मेल में आएगा, ईमेल में इन्फॉर्म करेंगे, कितना अच्छा खुशी लगेगी। तो अभी जा रही हूँ मैं ग्रोसरी लेने। आजकल मैं ग्रोसरी लाती हूँ, और सबसे इंटरेस्टिंग ऐसे 2-3 दिन में, क्योंकि यहाँ पास में है और मैं चली जाती हूँ, दोनों राहुल तो उसका रूम में है, कंप्यूटर में, खेल में, और देवाशीष बिजी रहते हैं उनका काम में, तो मैं खुद को बिजी रखने के लिए मैं भी भागती हूँ, गाड़ी पकड़ती हूँ और चली जाती हूँ। ये मेरा सेकेंड कप है, तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ 1-2 घंटा। और इसे क्या होता है कि मैं खुद को एक्टिव भी रखती हूँ, और आजकल अभी तक कोविड के बाद मैंने शुरू नहीं किया एक्सरसाइज, ओनली डाइट के ऊपर, भूख तो नहीं हो रहा है, और नया दिन नया ब्लॉग, और मंजरिका आपके सामने चाय कप के साथ शुरू करते हैं।
मेरा जो ड्रामा का ऑडिशन इतना भयानक, इतने जोर से हार्टबीट जैसे पूरा निकल आएगा, सबके सामने खड़े रह के ड्रामा करना है भाई बहुत ही मुश्किल, सचमुच मुश्किल। ऐसे ऑडिशन तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार दिया, फिर इंडिया से नहीं यूएसए के स्टेज में, और सब ऐसे देख रहे थे ऐसे। बाद में जब क्लैप करते हैं ना, वो तो इनकरेज करते हैं, किसी को भी बुरा नहीं बोलते हैं, अच्छा करो या बुरा करो। बाद में जब बोलते हैं हाँ आपने अच्छा किया, वो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो चलिए मेरा चाय भी तड़ा। मैं वीकली ट्राई करूँगी 3 बार आने के लिए, लेकिन ये जो डेली ब्लॉगिंग बहुत ही स्ट्रेसफुल हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का काम भी बढ़ रहा है कोरोना से थोड़ा, अभी क्या सब कुछ तो खोल गया है, तो बिजनेस भी करना है, और सबसे इंटरेस्टिंग मेरा कॉलेज भी खोलने वाली है। तो मैंने सोचा इतना स्ट्रेस लेके सब कुछ, आप तो ऐसे भी जान गए हो मेरा डेली लाइफ, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, काम करना, फिर कहीं जाना, और मैं सोच रही हूँ जे अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी, जो मैं सीख रही हूँ, बड़े बड़े चीज़ क्या क्या कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और हाँ, सचमुच मैं थैंकफुल हूँ जे ढेर सारा न्यू व्यूअर्स आते हैं, ढेर सारा पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, और हाँ सब्सक्राइबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। जब थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेरा और भी कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा, लेकिन हाँ अभी तो कॉलेज शुरू होने वाली है, 3 से 4 महीना तक बिल्कुल बिजी रहूँगी। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस कंट्री में अगर मुझे अच्छे से रहना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैं इंडिया में पढ़ी थी वो इंडिया के लिए ठीक, लेकिन इस कंट्री के लिए ये आगे आगे कुछ पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। तो चलिए ये मेरा लाइफ का अपडेट कर दी, लाइव ये जो वीकली मैं 3 दिन आऊँगी, मंडे वेनेसडे फ्राइडे। आपको क्या लग रहा है? मैं सोचती हूँ ये थोड़ा सा जो ब्रेक मेरे लिए ज़रूरी है, और हाँ मैं जो लिख रही हूँ वो भी तो आपके पास पहुंचाना ज़रूरी है जब लिख लूँ, क्योंकि मैं 2017 से शुरू किया कुछ कुछ लिखना और पेजेस उधर रह गया। फिर देवाशीष को इस बार मैंने कुछ सोचा कि लैपटॉप में लिख के रख दूँगी तो सबसे अच्छा है, पेपर में लिखती हूँ कहीं गुम हो जाता है, इतने सारे खाता हो गए कि बाबा नोटबुक, ये नोटबुक देखो उधर 4 पेज उधर देखो, नहीं मैंने सोचा उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँगी, अच्छे से लिखूँगी। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये राहुल यूनिवर्सिटी जा रहा है तो उससे पहले बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक जरूरी था। तो ये जो अनाउंसमेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट दे के नीचे मुझे बोलिए। तो चलिए फिर 2 दिन के बाद वेनेसडे में आपके साथ मिलने आ जाऊंगी। बाय बाय। याद रखिए मंडे वेनेसडे फ्राइडे, यही 3 दिन हम लोग मिलेंगे। बाय बाय। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। और ऑडिशन, ऑडिशन तो एक छोटा सा, आप हंस के ही उसको देखिए, क्योंकि सचमुच मैंने ट्राई किया, मिले या ना मिले वो तो मेल देके मुझे बोलेंगे, लेकिन ना मिले फिर भी मैंने करके उधर कॉन्फिडेंटली खड़े होके किया है, वो मेरे लिए बहुत था। बाय बाय बाय।